तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूपी की बहुत ही फेमस खट्टे आलू की सब्जी की रेसिपी। तो इसके लिए हम सबसे पहले आलू को उबालेंगे। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 5 मीडियम साइज़ आलू, इसको आप डालें कुकर के अंदर और उसके साथ डालें इसमें थोड़ा सा पानी और 4 से 5 विसल आए तक उसको अच्छे से आप उबाल लें। तो चलिए अब हम आलू को चेक कर लेते हैं कि वो हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से उबल गए हैं कि नहीं। और ये देखिए हमारे आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आलू को ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद आलू के जो छिलके हैं उसको इस तरह से हम निकाल देंगे। तो सभी आलू को आप इसी तरह से छील लें और छीलने के बाद आप चाहे तो आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा मैश कर दिया है। आलू को मैश करने से आलू ना ग्रेवी में एकदम घुल गई थी, तो आप आलू को छोटे छोटे पीसेस में ही कट करिएगा, ये मेरा सजेशन है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और खट्टे आलू बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 4 से 5 बड़े चम्मच दही। और सबसे पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। और पानी को डालने के बाद इसको आप दोबारा अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद अब इस दही वाले पानी को हम रखते हैं साइड में। अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए अब आप एक पैन लें और उसके अंदर आप डालें 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब आपका तेल गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को आपको लो पे रखना है और उसके बाद इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके अलावा इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को आपको कुछ सेकेंड के लिए सौते करना है, बहुत देर मत सौते करिएगा वरना ये जल जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉयल किए हुए आलू। और आलू को डालने के बाद अब आपको क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको मसालों के साथ आलू को अच्छे से 1 से 2 मिनट चलाते हुए भुनना है, जिससे मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू के अंदर तक अच्छे से समा जाए। और 1 से 2 मिनट आलू को भुनने के बाद अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे हमारे दही वाला पानी जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो अब हम इसमें डालते हैं दही वाला पानी। इसी के साथ गैस की फ्लेम को आप हाई पर रखें और इसको 4 से 5 मिनट चलाते हुए पकाएं ताकि जो आपका दही है वो फटे ना। और यहाँ पर देखिए हमने आलू को मैश कर दिया था तो काफ़ी हद तक वो ग्रेवी में समा गए हैं आलू हमारे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप इस सब्जी को बनाएं तो आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालें ताकि आपके जो आलू है वो ज़्यादा गले ना। तो 5 मिनट के बाद अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और साथ में डाल देंगे स्वादानुसार नमक के साथ। अब इसको अच्छे से एक बार मिला लें और स्टर करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है, अच्छे से ये पक चुकी है। तो इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद दोबारा आप इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लें और फाइनली आपके खट्टे आलू की सब्जी बनकर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठा जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इसको परोसें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें, इससे वो भी इस टेस्टी खट्टे आलू को घर पे आसानी से बना सके और एंजॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।